एक निजी कार्यक्रम में मुंगेली आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाई प्रहलाद मोदी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। मोदी ने कहा कि एक तरफ भ्रष्टाचार के पोषक हैं तो दूसरी तरफ भ्रष्टाचार को समूल नष्ट करने वाले, एक तरफ परिवारवाद है तो दूसरी तरफ राष्ट्रवाद, एक तरफ विकास है तो दूसरी तरफ प्रलोभन। अगर गांधी परिवार की तरह ही नरेंद्र मोदी होता तो मेरे नाम पर भी कोई फैक्ट्री होती, मैं राशन का दुकान कल भी चलाता था और आज भी चलाता हूँ। नरेंद्र मोदी तो पूरे देश को अपना घर और देशवासियों को अपना परिवार मानता है। प्रहलाद यहां साहू समाज के राष्ट्रीय स्तर के सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि आए थे। इस दौरान उन्होंने एनडीए को 300 से अधिक सीटें मिलने का दावा भी किया। मैं 4 दिन से घूम रहा हूं, कल बिलासपुर में था, बिलासपुर में साहू समाज की एक बैठक थी और उसमें मैंने हमारे इतिहास के बारे में कहा था लोगों को। हम राजस्थान से माइग्रेट हुए राजपूत हैं, लेकिन तेल का धंधा जो हमने स्वीकारा, इसी कारण हम तेली कहलाए, ये इतिहास गवाह है। और इसी के कारण मैंने कहा था कि मैं ठाकुर का बाप हूँ। दूसरी बात ये है कि जब महाराणा प्रताप मुगल सल्तनत के सामने परेशान हो गया था, जंगल में घास फूस खाकर दिन बिता रहा था, तब हिंदू राष्ट्र को खड़ा करने के लिए एक तेली का बेटा भामाशाह आया, उसने पूरी संपत्ति उनके चरणों में दिया और ठाकुरों को खड़ा किया। ये काम भामाशाह ने किया, वो तेली समाज का एक सदस्य था, उसने किया था। ये सब तर्क के कारण मैंने ये कहा, न्यूज पेपर वालों ने गलत छापा है ऐसा मुझे समाचार मिला, तो मैं आशा करता हूँ कि दिव्य भास्कर के न्यूज पेपर में उसका खंडन किया जाए। और यदि मेरी इस भाषा से किसी को दुख हुआ हो तो इसीलिए मैं क्षमा याचना करता हूँ। मोदी जी, आज के कार्यक्रम के बारे में बताइए, आज कल कहाँ का? आज मैं कोटा गया था, कोटा